हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज कार्डिनल नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 40, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 25, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 20, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है कार्डिनल नंबर ऑफ यू इक्वल टू 40 और हमसे पूछा गया है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। We know that every set under consideration is a subset of U, यानी कि universal set, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि A union B is also subset of universal set, ठीक है? अब अगर हम इसको cardinal number की language में देखें, तो देखिए अगर A union B U का, यानी कि universal set का subset है, इसका मतलब ये होता है कि cardinal number A union B का या तो कार्डिनल नंबर यू से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि अगर ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो ये मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, ये ए यूनियन बी यू के इक्वल हो सकता है, ठीक है? अब हमसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है कार्डिनल नंबर ऑफ यू के इक्वल, ठीक है? और क्वेश्चन में गिवन है कार्डिनल नंबर ऑफ यू 40, इसका मतलब सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ यू इक्वल टू 40, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।